हेलो क्लास, टुडे आई एम गोइंग टू टीच अबाउट द सब्जेक्ट अकाउंटेंसी क्लास 11 एंड चैप्टर 4th. द नेम ऑफ द चैप्टर इज ट्रायल बैलेंस एंड एरर. वी नो दैट बिफोर स्टार्टिंग अ ट्रायल बैलेंस वी शुड नो अबाउट द जनरल एंट्रीज एंड लेजर एंट्रीज. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू रिकॉर्ड ऑल द बिजनेस ट्रांजैक्शन इन जनरल एंट्रीज एंड देन पोस्टिंग देम इन टू द लेजर. And the last is a trial balance. Trial balance, it is a statement, and in this statement we have to prepare and showing the debit and credit side should be equal, and it show the arithmetical accuracy of the accounting. Definition of trial balance. तो ट्रायल बैलेंस क्या है? ये स्टेटमेंट है. द स्टेटमेंट प्रिपेयर विद द हेल्प ऑफ लेजर बैलेंस एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर टू फाइंड आउट वेदर द डेबिट टोटल एग्री विद द क्रेडिट टोटल. इस कॉल्ड अ ट्रायल बैलेंस. ये एक स्टेटमेंट है जो कि हम लोग लेजर की हेल्प से प्रिपेयर करते हैं. और इसको कब प्रिपेयर किया जाता है? एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर या एट एनी अदर स्टेट. टू फाइंड आउट द किस पर्पज से? टू फाइंड आउट करना. किस चीज़ को फाइंड आउट करना? डेबिट टोटल डेबिट को. किसके रिस्पेक्ट में? टोटल क्रेडिट के रिस्पेक्ट में. दिस इज कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर ऑफ ट्रायल बैलेंस. तो इट इज़ अ लिस्ट ऑफ द बैलेंस ऑफ लेजर अकाउंट एंड कैश बुक. ट्रायल बैलेंस क्या है? ये एक लेजर ऑफ अकाउंट और कैश बुक की लिस्ट है. ये दूसरा पॉइंट है. इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग. इट इज़ अ रिजल्ट ऑफ बुक डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग. ये क्या है? एक रिजल्ट है डबल एंट्री सिस्टम का, ना कि डबल एंट्री सिस्टम का पार्ट है. रिजल्ट इसमें हम रिफ्लेक्ट करते हैं, इसीलिए इसको कहा गया है ये एक वर्किंग पेपर है. इट कैन बी प्रिपेयर एट एनी डेट इफ़ द अकाउंट्स आर बैलेंस. इसको हम किसी भी एक पर्टिकुलर डेट पर फिक्स कर सकते हैं जब हमको अपने अकाउंट्स को बैलेंस करना होगा. ये हर एक ऑर्गेनाइजेशन अपने ऊपर डिपेंड करता है कि वो एट द एंड ऑफ द ईयर, एट द वीक ऑफ द ईयर, एट द क्वार्टरली ऑफ द ईयर, कि इसको कब प्रिपेयर करना है. फोर्थ पॉइंट है, इट वेरीज द अर्थमेटिकल करेक्टनेस ऑफ पोस्टिंग ऑफ एंट्रीज फ्रॉम द जनरल टू लेजर. तो ये जो है एक अर्थमेटिकल करेक्टनेस बताता है जो हम लोग जनरल से लेजर की तरफ ले जाते हैं, इसको वेरीफाई करता है. थर्ड फिफ्थ पॉइंट है, इट इज़ नॉट अ कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ एक्यूरेसी ऑफ द बुक ऑफ अकाउंट सिंस सम एरर्स आर नॉट डिस्क्लोज बाय द ट्रायल बैलेंस. कुछ एरर जो है हम लोग ट्रायल बैलेंस के थ्रू नहीं डिस्क्लोज कर सकते, इसीलिए इसको ये नहीं कह सकते कि ये एकदम कंक्लूसिव प्रूफ है एक्यूरेसी का, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ एरर और प्रिंसिपल कंपनसेटिंग एरर्स, जो कि हम ट्रायल बैलेंस के थ्रू नहीं शो कर सकते. इट इज़ हेल्पफुल इन प्रिपरेशन ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट. ये हमारे ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बेसिस है, क्योंकि हम लोग जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं वो किसके बेस पर करते हैं? ट्रायल बैलेंस के. ऑब्जेक्टिव है, तो इसका ऑब्जेक्टिव है कि अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को रिप्रेजेंट करता है. हेल्पफुल होता है फाइनल अकाउंट को प्रिपरेशन करने के लिए. थर्ड है समरी ऑफ द ईच अकाउंट. हर एक अकाउंट्स का ये समरी देता है. हेल्प इन लोकेटिंग एरर. बहुत सारे एरर्स को जो ये लोकेट कर देता है. लिमिटेशन क्या है ट्रायल बैलेंस की? लिमिटेशन क्या है? बहुत सारे ऐसी चीज़ होती है जो कि हम ट्रायल बैलेंस के थ्रू अपने एरर्स को नहीं आइडेंटिफाई कर सकते. जैसे एरर ऑफ प्रिंसिपल. एरर ऑफ प्रिंसिपल में क्या होता है कि बहुत सारे प्रिंसिपल जो एरर्स होते हैं, जैसे कि कैपिटल अकाउंट है उसको रेवेन्यू अकाउंट. कैपिटल एक्सपेंडिचर्स है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स है. कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन होते हैं जो कैपिटल नेचर के होते हैं, मगर हम लोग उसको रेवेन्यू नेचर को समझ के उसकी एंट्रीज कर दी जाती है. तो यहाँ पर ये चीज़ को डिस्क्लोज करना इट इज़ नॉट ईजी. सेकेंड पॉइंट है कंपनसेटिंग एरर्स. कुछ ऐसे एरर होते हैं जिसके हम डिजिट में कुछ जो प्रॉब्लम्स होती है, जैसे कि ट्रांजैक्शन हुआ है 5000 का, मगर इसको हमने रिकॉर्ड कर लिया 500 का. तो ये कंपनसेटिंग एरर को नहीं डिस्क्लोज किया जा सकता ट्रायल बैलेंस के थ्रू. ट्रांजैक्शन कम्प्लीटली ओमिटेड. कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन होते हैं जो कि वो रिकॉर्ड ही नहीं किए गए जनरल्स में या बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज में. कुछ रॉन्ग जो है रिकॉर्ड हो चुका है, तो यहाँ पे इन सारे चीज़ों को भी नहीं डिस्क्लोज किया जा सकता. प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस. ट्रायल बैलेंस का जब प्रिपेयर किया जाता है तो वो किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम पर एंड ऑफ द एवरी मंथ, क्वार्टर एंड हाफ ईयरली या ईयरली, इस बेसिस पर ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर किया जाता है. यूजली अगर माना जाए कि किस बेसिस पर होता है या क्वेश्चन में एमसीक्यू में किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, ये पूछा जाता है ट्रायल बैलेंस
का को किस डेट पर प्रिपेयर किया जाता है, तो वो यूजुअली जो हर एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, जो उसके अकाउंटिंग पीरियड का एंड डेट होती है उसी पर ही इसको प्रिपेयर किया जाता है। सेकेंड चीज़, जब हम लोग ये ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर करते हैं, जो हमारे लेजर में अगर वो डेबिट शो कर रहा है तो वही सिमिलरली हम ट्रायल बैलेंस को उसको डेबिट साइड ही शो करेंगे। अगर हमारे लेजर में क्रेडिट शो करेगा, जो चीज़ हमारा क्रेडिट शो किया जाएगा, उसी तरह से हम लोग ट्रायल बैलेंस में भी उसको क्रेडिट साइड शो किया करते हैं। और एंड में जो है तभी सारी चीज़ जो है एकदम बैलेंस होगी। अगर बैलेंस नहीं हो रहा है डेबिट और क्रेडिट साइड, इसका मतलब कि कहीं एरर है, और उस एरर को रेक्टिफाई किया जाएगा, उस एरर को देखा जाएगा एरर कहाँ पे है। इसमें जो है अंडर द मेंशन द पॉइंट, जो कि हम लोग जब ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर करते हैं उस हिसाब से किस चीज़ को मेंशन करना है, कौन कौन पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो इसको हमने शॉर्ट में लिख दिया इधर इस फॉर्म में। जितने भी असेट्स हैं, असेट्स क्या हैं, कैश है, बैंक है, बिल रिसीवेबल्स है, फर्नीचर, डेटर, मशीनरी, बिल्डिंग, पेटेंट है, गुडविल, जितने भी असेट्स है, अगर वो डेबिट बैलेंस शो कर रहा है, उसके अकाउंट डेबिट बैलेंस शो कर रहा है, तो वो डेबिट साइड जो है ट्रायल बैलेंस के शो होगा। जितनी लाइबिलिटीज़ है, जैसे बैंक ओवरड्राफ्ट, बिल्स रिसीवेबल्स एंड क्रेडिटर, ये जो है क्रेडिट बैलेंस शो कर रहा है, तो इसको क्रेडिट साइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस इन सारे चीज़ों को शो किया जाएगा। ड्राइंग अकाउंट, हम लोग ड्राइंग अकाउंट जानते हैं, ड्राइंग अकाउंट क्या होता है, जो पैसा प्रोप्रिएटर अपने पर्सनल यूज़ के लिए लेता है वो ड्राइंग होता है। और ड्राइंग अकाउंट अगर डेबिट बैलेंस शो कर रहा है तो वो भी शो होगा, ट्रेडिंग अकाउंट में भी उसको डेबिट साइड ही शो किया जाएगा। परचेस अकाउंट हमेशा डेबिट बैलेंस शो करता है, सेल्स अकाउंट क्रेडिट बैलेंस शो करता है, परचेस रिटर्न अकाउंट वो डेबिट बैलेंस शो किया जाता है, सेल्स रिटर्न अकाउंट वो डेबिट बैलेंस शो किया जाता है, ऑल द एक्सपेंसेस और लॉसेस वो क्या डेबिट बैलेंस, और डेबिट बैलेंस डेबिट साइड किधर शो किया जाएगा, ट्रायल बैलेंस का। सिमिलरली इज द क्रेडिट जो बैलेंस हुए, ऑल द इनकम एंड प्रॉफिट शो द डेबिट बैलेंस एज सच दे शुड बी रिटन ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस, तो ट्रायल बैलेंस में भी वो क्रेडिट साइड शो किया जाएगा। अब यहाँ पे स्टेप टू लोकेट और डिडक्ट द एरर, बहुत सारे ऐसे चांसेस होते हैं, मैक्सिमम चांस ऐसे होता है कि हम लोग का ट्रायल बैलेंस जो है वो टैली नहीं करता डेबिट और क्रेडिट साइड, तो किन किन चीज़ों को माइंड में रख कर के चेक करना है कि कहाँ कहाँ मिस्टेक हो सकती है, उन सारे चीज उस एरर को डिडक्ट करने के लिए। पहला है रिसीव द टोटल ऑफ द बोथ तो द डेबिट एंड क्रेडिट अमाउंट कॉलम इन द ट्रायल बैलेंस। पहले हम लोग जो ट्रायल बैलेंस का दोनों डेबिट और क्रेडिट दोनों कॉलम को बहुत अच्छे से देखेंगे, उसके हर एक अमाउंट को चेक करेंगे कि कहीं डेबिट और क्रेडिट कॉलम को मैच करेंगे अपने क्वेश्चन के हिसाब से। सेकेंड पॉइंट है टू एग्जैक्ट फिगर ऑफ द डिफरेंस इन द डेबिट बैलेंस, जैसे कि अब हमारा कोई एरर हो गया 3200 में, तो 3200 से रिलेटेड उसकी सब्सिडरी बुक में या लेजर बुक में जा करके जितनी भी एंट्री 3200 की होगी उसको भी रिचेक किया जाएगा, उसको स्कैन किया जाएगा। थर्ड पॉइंट है द डिफरेंस शुड बी हैव फाइंड आउट द फिगर ऑफ द इक्वल ऑफ द, अगर किसी का क्रेडिट बैलेंस 1600 रुपये शो कर रहा है और डेबिट बैलेंस जस्ट उसका 3200 रुपये शो कर रहा है, तो उससे भी रिलेटेड हम पोस्ट लेजर अकाउंट में जाकर उसके सारे डेबिट अकाउंट्स को शो किया जाएगा कि कहाँ पे इस सारे ट्रांजैक्शन में 1600 का फ़र्क आया है। फोर्थ पॉइंट है अगर कोई भी डिफरेंसेस डेबिट और क्रेडिट साइड में ऐसा डिफरेंसेस आ गया तो उसको हम 9 से डिवाइड करेंगे, अगर 9 से डिवाइड करने पूरी तरह से डिविजिबल हो रहा है तो इट कैन बी मिस्टेक ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फिगर, इसका मतलब कि इसकी दिक्कत जो होगी, जो मिस्टेक होगा वो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फिगर के ट्रांसपोर्टेशन में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि लिखा हुआ फिगर में 47 और हमने लिख दिया 74, तो ये है ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कत। अगर और उसको कैसे आइडेंटिफाई किया जाएगा, उन दोनों डिफरेंस को 9 से डिवाइड करेंगे, 9 से डिवाइड करने के बाद इससे पता चल जाएगा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फिगर में ही मिस्टेक है। फिफ्थ पॉइंट है कुछ ऐसे वैल्यूज़ होते हैं जो अराउंड 1 के करीब होते हैं, जैसे 99 है या 1999 है, इस तरह से कोई भी बैलेंसिंग होगा तो ये बैलेंसिंग भी इन द फिफ्थ पॉइंट है इन द केस द डिफरेंस इज अराउंड फिगर से 100 या 10 देर विल बी पॉसिबल फॉर द ऑफ रॉन्ग टोटलिंग या रॉन्ग कैरी फॉरवर्ड ऑफ द टोटल ऑफ द सब्सिडरी बुक और देर विल बी
देयर बी एरर इन द बैलेंसिंग ऑफ द अकाउंट, तो इसका मतलब है कि वहाँ पे एरर जो है बैलेंसिंग एरर में कोई मिस्टेक है या उसके कैरिड फॉरवर्ड में कोई मिस्टेक आ रही है। सिक्स पॉइंट है, चेक विद द हेल्प ऑफ लेजर वेदर द बैलेंस ऑफ ईच एंड एवरी अकाउंट इंक्लूडिंग द कैश एंड बैंक हैज़ बी इंक्लूडेड द ट्रायल बैलेंस ऑन द करेक्ट साइड। पहले हम ये देखेंगे कि जो भी लेजर का कैश एंट्री है बैंक है वो सही जगह पर मेंशन की गई है कि नहीं, उसी हिसाब से इसको भी करेक्ट किया जाएगा। तो ये हुआ स्टेप टू बी लोकेट या डिटेक्ट द एरर। अब टाइप्स ऑफ एरर, कितने तरह के एरर हो सकते हैं, तो एरर अफेक्टिंग द ट्रायल बैलेंस और एरर नॉट अफेक्टिंग द ट्रायल बैलेंस, मतलब कुछ एरर होगा जो हमारे ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट कर रहा है जिससे कि हमारा बैलेंस नहीं हो रहा, मगर कुछ ऐसे एरर्स होते हैं जो कि हमारे ट्रायल बैलेंस पर कोई अफेक्ट नहीं करते, वो आराम से टैली हो जाते हैं मगर तब भी उसमें कुछ ना कुछ एरर्स रहती है। जैसे फर्स्ट है रॉन्ग कॉस्टिंग, इन द टोटल ऑफ द कैश बुक या सेम सम अदर सब्सिडरी बुक रॉन्ग इज रॉन्ग द ट्रायल बैलेंस विल नॉट टेली। फॉर एग्जाम्पल द टोटल ऑफ द परचेज बुक हैज़ बीन एडेड 1000 इन एक्सेस, वेन इट इज़ टोटल टू बी पर्सेंट ऑन डेबिट साइड ऑफ द परचेज अकाउंट, तो इसमें जो है 1000 अगर हमने परचेस अकाउंट में 1000 रुपये ज़्यादा एंट्री कर दिया तो वो हमारे कहीं ना कहीं वो हमारे 1000 जो है वो हमारे डेबिट साइड में ही शो कर देंगे जिससे कि हमारा जो है ट्रायल बैलेंस नहीं टैली करेगा। पोस्टिंग ऑफ द रॉन्ग साइड, कभी कभी पोस्टिंग जो है वो रॉन्ग साइड हो जाता है, डेबिट की जगह पर क्रेडिट कर दिया जाता है और क्रेडिट की जगह पर डेबिट, तो ये जो है इसकी वजह से हमारे जो है टैली नहीं करेंगे। पोस्टिंग ऑफ द रॉन्ग अमाउंट, रॉन्ग अमाउंट का पोस्टिंग हो गया है 600 की जगह पर 600 की 60 रुपीज़ का पोस्टिंग हो गई हो तो ये भी टैली नहीं करेगा। ओमिशन ऑफ द पोस्टिंग ऑफ वन साइड ऑफ द एंट्री, कभी कभी होता है कि एक साइड में ही सिर्फ एंट्री कर सकते हैं, जैसे कि कैश कुछ राम जो है उसने कुछ रिसीव किया 5000 का और करेक्टली एंटर इन टू द कैश बुक में तो करेक्टली एंटर हो गया मगर ये भूल गए हैं उसको कि वो क्रेडिट साइड ऑफ द राम अकाउंट में भी इसको क्रेडिट साइड करना है, जिसका इफेक्ट क्या होगा कि हमारा ट्रायल बैलेंस नहीं टैली करेगा। डबल पोस्टिंग इन द सिंगल अकाउंट, एक ही सिंगल अकाउंट में डबल पोस्टिंग हो गई हो, जैस फॉर एग्जाम्पल 5000 हैज़ बीन रिसीव फ्रॉम द श्याम लाल एंड करेक्टली एंटर इन टू द कैश बुक, श्याम लाल से 5000 रुपीज़ तो रिसीव किया गया, उसको हमने कैश बुक में भी शो कर दिया बट इट इज़ पोस्टेड ट्वाइस ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द श्याम लाल अकाउंट, मगर श्याम लाल अकाउंट में हमने 2 बार उसको क्रेडिट साइड शो कर दिया जिससे कि हमारा क्या ट्रायल बैलेंस नहीं टैली करेगा। सिक्स पॉइंट क्या है, एरर ऑफ टोटलिंग एंड बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट इन द लेजर, एरर में अकर इन द टोटलिंग ऑफ द डेबिट एंड क्रेडिट साइड ऑफ द अकाउंट इन द लेजर और इन द बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट इन द लेजर, अगर लेजर के बैलेंसिंग में एरर हो या उसके डेबिट और क्रेडिट के टोटलिंग में कुछ एरर्स हो तो द बैलेंस ऑफ द अकाउंट्स आर ट्रांसफर टू द ट्रायल बैलेंस, और वही चीज़ हम लोग ट्रायल बैलेंस में उसको ट्रांसफ़र करते हैं और जब वहाँ का टोटलिंग में एरर है लेजर के तो जाहिर सी बात है कि इसके ट्रायल बैलेंस में भी ट्रायल बैलेंस उसका नहीं टैली करेगा। अब इसका सेकेंड पार्ट क्या है, एरर नॉट अफेक्टिंग द ट्रायल बैलेंस, कुछ ऐसे एरर होते हैं जो कि हमारा ट्रायल बैलेंस तो टैली कर जाता है मगर उसमें एरर होते हैं, तो उस तरह के एरर्स क्या है, ट्रायल बैलेंस इज नॉट अ कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ एक्यूरेसी ऑफ द अकाउंट्स ऑफ बुक, इसीलिए कहा गया है कि ट्रायल बैलेंस क्या है ये एक कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है एक्यूरेसी का, कि हम किसी भी अकाउंट का अगर ट्रायल बैलेंस टैली हो रहा है तो वी कैन से डैट इट इज़ अ राइट एंड दैट देयर इज नो मिस्टेक इन दिस अकाउंट, बट देयर इज सम लॉट्स ऑफ द एंट्रीज आर नॉट मेंशन इन द लेजर देन जनरल एंड लेजर देन वी कैन नॉट वी आर ट्रांसफर दिस इन द लेजर, जब हम लोग जनरल ही में नहीं उस चीज़ को रिकॉर्ड करे होंगे तो ना वो लेजर में जाएगा ना वो ट्रायल बैलेंस में, इसीलिए इसको कहा गया ये पूरी तरह से प्रूफ नहीं है कि ये एक्यूरेट है ट्रायल बैलेंस अगर वो टैली किया जा रहा है उसमें टैली हो रहा है।
फर्स्ट है एरर ऑफ ओमिशंस, कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन होंगे जो कि सब्सिडरी बुक में नहीं रिकॉर्ड किए गए होंगे, भूल गए, तो इफ़ द ट्रांजैक्शन रिमेन ऑल टुगेदर अनरिकॉर्डेड इधर इन जनरल या सब्सिडरी बुक, या हम लोग जनरल या सब्सिडरी बुक में उस चीज़ को नहीं रिकॉर्ड किया गया, इट विल बी टर्म एज अ एरर ऑफ ओमिशन, इसीलिए उसको कहा गया एरर ऑफ ओमिशन। ओमिशन मीन्स होता है भूल जाना। सच एन एरर विल नॉट बी अफेक्ट द एग्रीमेंट ऑफ द ट्रायल बैलेंस एज नाइदर द ट्रांजैक्शन हैज़ बीन एंटर ऑन द डेबिट साइड ऑफ द अकाउंट एंड नॉट द क्रेडिट साइड ऑफ द अकाउंट। जब वो रिकॉर्ड ही नहीं किया गया सब्सिडरी बुक और जनरल बुक में, तो वो जो है एरर, उसको कहा जाएगा एरर ऑफ ओमिशंस। और फिर उसके बाद जो हमारा ट्रायल बैलेंस का है, तो हमारे ट्रायल बैलेंस में भी नहीं अफेक्ट करेगा। सेकेंड है एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ कमीशन में क्या है, इफ़ अ रॉन्ग अमाउंट इज इंटर आइदर इन द जनरल एंड इन द सब्सिडी, कुछ रॉन्ग अमाउंट ही इंटर कर दिया गया हो, चाहे वो जनरल में या सब्सिडरी बुक में, तो ट्रायल बैलेंस विल टैली बिकॉज द सेम अमाउंट। ट्रायल बैलेंस तो टैली हो जाएगा, हो सकता हो कि जैसे कि 5000 की जगह पर या 420 जगह की प्लेस पर हमने 240 रुपीस रिकॉर्ड कर दिया, और वो उसकी डबल एंट्री करेंगे तो वो सही जगह पर डेबिट और क्रेडिट होगा, मगर रियल क्या था 5420। तो इससे क्या होगा कि हम लोग किसी भी मतलब ट्रायल बैलेंस तो टैली कर जाएगा, ट्रायल बैलेंस वो टैली होगा, मगर रियल में अगर देखा जाए तो वो कहीं ना कहीं वहाँ पे मिस्टेक है। थर्ड पॉइंट है कंपनसेटिंग एरर्स। इफ़ द इफेक्ट ऑफ वन एरर इज न्यूट्रलाइज बाय द इफेक्ट ऑफ द सम अदर एरर, एक एरर हम लोग जानते हैं वो दूसरे एरर को कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है, इसी तरह से इसमें कहा गया है, फॉर एग्जाम्पल वाइल पोस्टिंग ऑन द डेबिट साइड ऑफ द अनिल अकाउंट 550 रुपीज़ आर पोस्टेड इन इंस्टेड ऑफ द 500, तो 500 की जगह पर उसने 50 रुपीज़ पोस्ट कर दिया, वाइल पोस्टिंग ऑन द डेबिट साइड ऑफ द सुनील अकाउंट 500 आर पोस्टेड इंस्टेड ऑफ द 50, द टू मिस्टेक इस दो तरह से दोनों जगह सेम मिस्टेक हो गई, सेम अमाउंट की मिस्टेक हो गई है, तो इसीलिए जब हम लोग जब ट्रायल बैलेंस में जाएंगे तो वो आसानी से वो टैली कर जाएगा, क्योंकि अमाउंट इज सेम और ट्रांजैक्शन दोनों जगह का गलत हो गया। तो ये हुआ कंपनसेटिंग एरर्स। एरर ऑफ प्रिंसिपल क्या होता है, प्रिंसिपल का एरर, तो यहाँ पे कुछ अकाउंटिंग जो हमारे प्रिंसिपल होते हैं, फंडामेंटल प्रिंसिपल होते हैं, उसको कोई वॉलेट कर भूल गए हो और कुछ एरर्स हो गई, जैसे कि कैपिटल एक्सपेंडिचर्स को हमने ट्रीट किया है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। हम लोग जानते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर्स कौन से होते हैं, वो एक्सपेंडिचर जो कि लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं, जो हमें फ्यूचर में प्रॉफिट देते जाएंगे, वो कैपिटल होते हैं। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स वो एक्सपेंडिचर्स होते हैं जो कि जो डे टू डे लाइफ में जो एक्सपेंडिचर्स किए जाते हैं वर्किंग अफेयर्स ऑपरेशंस के लिए, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स होते हैं जो विद इन अ वन ईयर्स होते हैं। तो ये चीज़ हुआ कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कभी कभी कैपिटल एक्सपेंडिचर को ट्रीट इस तरह से किया जाएगा जैसे वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स हो, या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स को इस तरह से ट्रीट कर दिया गया वो कैपिटल एक्सपेंडिचर्स हो, तो इस तरह की चीज़ को क्या बोला जाता है, एरर ऑफ प्रिंसिपल। लास्ट है एरर ऑफ द पोस्टिंग इन द रॉन्ग अकाउंट। कभी कभी रॉन्ग अकाउंट में पोस्टिंग हो जाती है, डेबिट का क्रेडिट, क्रेडिट का डेबिट, तो वाइल पोस्टिंग फ्रॉम द बुक ऑफ ओरिजिनल एंड पोस्टिंग इज मेड टू द रॉन्ग अकाउंट, रॉन्ग अकाउंट में पोस्ट कर दिया गया बट ऑन द करेक्ट साइड, अकाउंट रॉन्ग हो गया है मगर साइड करेक्ट है, तो इससे क्या हमारे जो है ट्रायल बैलेंस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। द लास्ट पॉइंट इज द सस्पेंस अकाउंट। ये बहुत पूछा जाता है सस्पेंस अकाउंट क्या होता है, सस्पेंड अकाउंट होता है कि इन सारे चीज़ों को एरर करने के बाद कोई भी इतने एरर्स अब उस एरर को आइडेंटिफाई नहीं किया जा पाया, समटाइम इन स्पाइट ऑफ द बेस्ट एफर्ट ऑफ द अकाउंटेंट ऑल द एरर आर नॉट लोकेटेड एंड द ट्रायल बैलेंस डज नॉट टैली। बहुत सारे एफर्ट किए गए कि एरर हो कहाँ रहे हैं और एरर को लोकेट नहीं किया जा सका, और इसी वजह से हमारे ट्रायल बैलेंस टैली नहीं कर रहे हैं। तो इन सच अ सिचुएशन टू अवॉइड द डिले इन द प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट, तो इस सिचुएशन में क्या होता है कि हम फाइनल अकाउंट हमको प्रिपेयर कर रहा है, फाइनल अकाउंट को हम लोग डिले नहीं कर सकते, तो इसीलिए द डिफरेंस इज प्लेस एंड न्यूली ओपन अकाउंट। तो इन सारे डिफरेंस को प्लेस करने के लिए एक नई ओपन अकाउंट खोला जाता है जिसको कहा जाता है सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट क्या होता है, इफ़ द डेबिट बैलेंस ऑफ द क्रेडिट साइड, इसमें लिखा अगर हमारा डेबिट बैलेंस ज़्यादा होगा
ट्रायल बैलेंस को हमने टैली किया, हमारा दोनों चीज़ का मैच नहीं करा, डेबिट और क्रेडिट, और उसमें हमारा डेबिट बैलेंस क्या है वो क्रेडिट साइड से ज़्यादा है, तो हम उसको सस्पेंस अकाउंट में क्रेडिट साइड दिखाएंगे। सिमिलरली हमारा क्रेडिट बैलेंस जो है वो मोर देन द डेबिट बैलेंस, तो जो हमारा डिफरेंसेस होगा उसको क्रेडिट बैलेंस सस्पेंस अकाउंट में शो किया जाएगा, और उस सस्पेंस अकाउंट को ट्रायल बैलेंस में एज अ सस्पेंस अकाउंट के नाम से उतने अमाउंट को लिख दिया जाएगा। तो उससे क्या होगा कि हमारा जो है टैली हो गया। बाद में हो सकता हो कि हमने उस एरर को लोकेट कर लिया हो, समझ गए हो, तो उस फिर उस चीज़ में सस्पेंस अकाउंट को ऑटोमेटिकली क्लोज कर दिया जाएगा। तो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड ऑल द पॉइंट अबाउट द सस्पेंस अकाउंट, एरर्स एंड स्टेप्स एंड बैलेंसिंग ऑफ द ट्रायल बैलेंस। यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी क्वेश्चन एंड सॉल्व ऑल द क्वेश्चन ऑफ रिलेटेड टू दैट टॉपिक, रिलेटेड टू द ट्रायल बैलेंस and the MCQ and others short-term questions. Thank you.